इंदौर जिला प्रशासन ने जन संगठनों के साथ आयोजित बैठक में बुजुर्गों के लिए एक पृथक से सर्व सुविधा युक्त केंद्र बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें शहर के करीब 200 शिक्षकों के लिए भोजन, इलाज, आवास और जरूरत के मुताबिक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। भिक्षुक केंद्र बनाने के लिए फिलहाल स्थान का चयन किया जा रहा है, जिसके बाद जन सहयोग से वहां बिल्डिंग भी बनाई जा सकेगी। इसके लिए भी सामाजिक संगठन और अन्य दाताओं से मदद ली जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुष्पा नामक जो महिला बिजसन रोड पर पाई गई थी, उसके पैर का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा वो 18 जनवरी तक MY अस्पताल में भर्ती थी। हालांकि इलाज में लापरवाही जैसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी अब कोशिश की जाएगी कि वो कम से कम सड़क पर भीख न मांगे। मतलब NGO सामाजिक संगठन सभी को बुलाया था, जो भी आया थे वो NGO सामाजिक संगठन कैटेगरी के थे और बिल्कुल शामिल करेंगे। आज बुलाने का मकसद ही ये था कि जो भी शहर में ऐसे लोग हैं जो भिक्षुकों के लिए कार्य करने के सहमत हैं, उनकी सेवाएं हम लोग को लेनी है किसी न किसी तरीके से। अगर वो लोग इसमें भी तैयार हैं, कोई बड़ा अगर कोई हम लोग को दानदाता मिलता है और भिक्षुक केंद्र बना सकता है जिसमें एक साथ 200 भिक्षुक रहें, तो उनसे हम बिल्डिंग ही बनवाना चाहेंगे कि 200 भिक्षुकों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था कर दें, उसको नगर निगम मैनेज करे, तो अपन उसमें पूरी ऐसी व्यवस्था रखें कि कोई भी इस तरह का भिक्षुक कहीं बाहर से आता भी है तो उसको हम लोग वहाँ से संभाल के उठा के वहाँ शिफ्ट कर दें। वृद्ध आश्रम ही रहेगा, वो भिक्षु केंद्र के रूप में वर्क करेंगे।